नमस्कार दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट के ट्रेनिंग सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम मांडव आज इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं कि सोलर प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, कहां कहां उन्हें यूज किया जाता है, सोलर प्लांट के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के सोलर पावर प्लांट्स होते हैं। पहला, ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ना, ऑन ग्रिड का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्टेड हो, ट्रांसमिशन लाइन को ग्रिड कहते हैं। ऐसे सोलर पावर पैनल्स जो कि आपकी ग्रिड के साथ कनेक्टेड हो उन्हें ऑन ग्रिड कहते हैं। अगला आता है ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट। ऑफ ग्रिड का मतलब कि जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड ना हो, जो कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्टेड ना हो। अब इसका मतलब यह है कि हमें किसी और चीज़ के साथ उसे कनेक्ट करना होगा। सही है, सही पहचान आपने, और वो होता है बैटरी। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है हम बैटरी में स्टोर करते हैं। अगला आता है हाइब्रिड। जी हाँ, ऑन और ऑफ का मिक्सचर। इसमें हम ग्रिड के साथ भी कनेक्ट करते हैं और बैटरी के साथ भी कनेक्ट करते हैं। अगला, आइए हम जानते हैं कि सोलर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला होता है आपके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, यानी आपके घर की छत पे, आपकी बिल्डिंग की छत पे, कहीं पे भी। इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो जनरली 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक के कैपेसिटी के होते हैं। अगले आते हैं कमर्शियल्स, जो कि आपकी ऑफिस में यूज होते हैं। इनका, क्योंकि आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ये 10 किलोवाट से लेके 50 किलोवाट तक के आप जनरली इंस्टॉल करते हैं। अगला होता है इंडस्ट्रियल। जैसे कि आप समझ चुके होंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है उसी तरह एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है और इसी तरह प्लांट की कैपेसिटी बढ़ती है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे 10 किलोवाट से लेके 1000 किलोवाट यानी 1 मेगावाट तक कैपेसिटी जनरली रहती है। अगला आता है आपका यूटिलिटी सेक्टर। यूटिलिटी सेक्टर का मतलब है कि ऐसी जगह पे सोलर पावर प्लांट्स लगाना जिसका मेन पर्पस ही है कि लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाए। ये मेगावाट्स में होते हैं और गीगावाट्स तक जाते हैं। ये जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर जो अपना गवर्नमेंट जो यूज़ करती है, वो लोग जिस स्केल पे बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी सोलर के थ्रू, उसे कहते हैं यूटिलिटी स्केल पावर प्लांट। आइए अब देखते हैं कि सोलर पावर प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है हमारा सोलर पैनल, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का हार्ट है। सोलर पैनल सन की सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अगला आता है माउंटिंग रैक। माउंटिंग रैक बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का बैकबोन है। माउंटिंग रैक्स हमारे सोलर पैनल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं और उन्हें पर्टिकुलर एंगल पे स्टेबल रहने में हेल्प करते हैं। अगला आता है हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर बेसिकली क्या करता है, एनर्जी कन्वर्ट करता है। अब वो किस फॉर्म से किस फॉर्म में या फिर किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी से किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है वो हम आगे जानेंगे। अगला है हमारा नेट मीटर। नेट मीटर बेसिकली आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का काउंट रखता है कि आपने कितना इंपोर्ट किया या कितना एक्सपोर्ट किया। आइए एक केस स्टडी के थ्रू अब हम जानते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है। मान लीजिए आपने आपके घर में एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है जो कि आपको दोपहर के टाइम पे 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। अब आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, तो अब मेहमान आए हुए हैं तो आपका एयर कंडीशनर, आपका टीवी, आपका फ्रिज, आपका ओवन सारे अप्लायंसेस चालू हैं और वो कंज्यूम कर रहे हैं 4 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर तो आपको 2 ही दे रहा है, तो बाकी के 2 कहाँ से आएंगे? तो वो आएंगे आपके ग्रिड से। अब आपके ग्रिड से आप जब इम्पोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमेगा और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको बढ़ाएगा। अब छुट्टियां आ गई, आपके बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें घूमने जाना है, हमें घूमने जाना है। अब आप घूमने गए, अब आपके घर में
आपका जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट कर ही रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? वो दो यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो वो जा रहा है सीधा आपके ग्रिड में, और जब वो आपके ग्रिड में जाएगा तो मीटर के थ्रू ही जाएगा, और वो मीटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएगा, जिससे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह महीने के एंड में जब आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देखेंगे तो वो उसकी प्राइस स्काई रॉकेटिंग हाई नहीं होगी, बल्कि एज लो एज पॉसिबल होगी। चलिए अब देखते हैं हम कि ऑन ग्रिड सिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहला जो हमने देखा वो ये था कि ये पैसे बचाता है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। नेट मीटरिंग के थ्रू आपका काफी पैसा बचता है। दूसरा, जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो काफी अफोर्डेबल होता है और काफी इजी टू इंस्टॉल होता है। साथ ही साथ जो ऑन ग्रिड का मेंटेनेंस है वो काफी कम होता है। आपको सिर्फ आपके सोलर पैनल को मेंटेन करना है, आपके जो इन्वर्टर है उसका हल्का सा मेंटेनेंस आता है, बस वो, इसके अलावा और कोई मेंटेनेंस नहीं होता आपका। तीसरा ये कि आपकी जो यूटिलिटी ग्रिड है, आपके जो ग्रिड है वो आपका एक वर्चुअल बैटरी बैंक है। अगर आप कोई बैटरी यूज करते हैं स्टोरेज के लिए तो उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लेकिन आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, आपकी जो ग्रिड है, उनकी कोई कैपेसिटी नहीं है। उनकी कैपेसिटी इतनी है जितनी कि आप सप्लाई कर सकें, तो जितना चाहिए उतना सप्लाई कीजिए। फोर्थ बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट के थ्रू हमें काफ़ी सब्सिडीज मिलती है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने पर, तो उसका आप बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको उठाना चाहिए। अब जो आखिरी और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यार देश को हेल्प करो यार, जो आपके पास ज़्यादा है उसे शेयर करो। आपके घर में, आपके रीजन में सन सोलर एनर्जी ज़्यादा है तो उसको यूटिलाइज करो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो और लोगों को बांटो जिनके वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। साथ ही साथ ये वीडियो भी शेयर कर दो यार, हमें भी थोड़े फ़ायदा उठाने दो। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।